हेलो, मैं डॉक्टर प्रफुल्ल दोषी, मी एंड मम्मी हॉस्पिटल एंड ब्लॉसम आईवीएफ सेंटर। हम आईवीएफ मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट के बारे में कुछ मिथ्स दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिथ ऐसा है कि टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट मतलब 100% गारंटी, जैसे बच्चा तैयार करके रखा तो बच्चा हो ही गया, तो ये गलत बात है। टेस्ट ट्यूब बेबी बहुत ही एफिशिएंट ट्रीटमेंट है, बहुत ही सक्सेस रेट, कोई भी और ट्रीटमेंट से ज्यादा सक्सेस रेट है, फिर भी 100% नहीं है। गारंटी नहीं है कि जैसे ट्राई किया तो तुरंत बच्चा हो ही जाएगा, क्योंकि हम 3, 4 या 5 दिन का गर्भ बच्चा जिसको बोलते हैं वो लेबोरेटरी में बना के स्त्री का बीज पुरुष का बीज दोनों को कंबाइन करके एम्ब्रियो बना के यूट्रस में छोड़ देते हैं। 9 महीने का बच्चा बनाने की अभी साइंस की कैपेसिटी नहीं है, तो सिर्फ 3 या 4 दिन का जो आंखों से दिखता भी नहीं इतना छोटा गर्भ हम यूट्रस में छोड़ देते हैं। उसके बाद जो होता है वो नेचर के हाथ में है, इसलिए अबाउट 60% तक सक्सेस रेट है। 10 लड़की का करे तो 6 या 7 एक ही बार में प्रेग्नेंट हो जाती है। कुछ लोग फेल हो जाते हैं, तो फेल हो गए उसका मतलब ये नहीं है कि उनको होगा ही नहीं, पर उनको फिर से ट्राई करना पड़ता है, मतलब उनका खर्चा या उसका एक्सपेंस बेकार जाता है, ये उसका नेगेटिव पॉइंट है। पर आईवीएफ बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है, पर एक बार में 100% गारंटी नहीं है।